सबसे पहले तो यहाँ के जो मेज़बान लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो सबको माला पहनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आए हैं और बोले मैं सवेरे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो लोग रियली आप लोगों को माला पहनाना चाहते हैं, तो आप पहना दीजिए और दीजिए और जल्दी से मेहरबानी करके मैं जो नाम बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी आए, क्योंकि साहब के पास टाइम नहीं है, वो लैंडिंग का टाइम वो समाप्त हो रहा है, वो जाना जल्दी चाहते हैं। तो मैं नाम बोल रहा हूँ, प्लीज़ करके एक तो नत्थीलाल जी तायल और जफरू खान जी, ये दोनों आए, और सुफेदा खान तुरंत आते रहें। हाँ, जाकिर खान, शेरा खान, धर्मवीर सरपंच, हीरालाल कामरेड, ये सभी आते रहें एक एक करके, प्लीज़ जल्दी थोड़ा सा। और ये अशरफ रोजा, लेखराम पटेल, लल्लू राम कोहली, इस्माइल खान, रशीद खान रवाना, नरेंद्र सिंह, आमीन खान, महमूद खान, नंदलाल तायल और पंडित द्वारका प्रसाद, बुद्धन जाटव, नसरू सरपंच, शमसू खान ब्लॉक अध्यक्ष, हाजीबुल्ला खान, हाजी खुर्शीद खान, अली तिजारा, हुसैनदीन, इम्तियाज चौधरी, वली मोहम्मद, फजरू नगला सेडू, बेनीवाल जी, राजेंद्र चेयरमैन जी, आसीन सरपंच, दीनू, बुद्धसिंह उपला साथ, मास्टर याकूब उपला साथ, नूरा भंडवाड़ा, प्रदीप आर्य जी, राम बहादुर वकील साहब और खुर्शीद खान, उस्मान खान, सम्मी दाऊदपुर, जमशेद सरपंच, गफूर साहब और रामदयाल सोजी, शिवलाल प्रधान, दीन बंधु शर्मा, चंद्रभान गुजर, चावा खां, भोरमल खां, लीला खां, आसू खां, श्याबू खां, शमसू खां, बोल दिया उसका, रहमान खां, सिब्बू प्रजापति चांदोली, रजाक खां, चकमल खां, नूरमल खां, ये मेहरबानी करके एक एक करके तुरंत आए, जिससे रामफल चेयरमैन, साहबू खां, अयूब खां, उमरदीन खां, विद्या सरपंच, करीम मास्टर, जमील खां, मेहताब खां, अम्मू खां, अली मोहम्मद ठेकड़ा, तैयब खां, रामकुमार सरपंच, जस्सू खां, आसू रोजा, बोरमल हनीफ, जल्ला सरपंच, अली मोहम्मद और एक नंदू प्रजापति, इस्माइल खां चांदोली, अब्दुल खां चांदोली, सम्मा खां प्रधान, स्कूल प्रिंसिपल चांदोली, ये सब आकर के मेहरबानी करके स्वागत माला पहना कर स्वागत करें कि आज अपने गांव में दिल्ली से इन लोगों ने, भारत सरकार ने हमको देखा कि चांदोली मेवात में कोई गांव है और उस गांव को इतनी तवज्जो दी है। दिल्ली से जब हमारा गांव इन्होंने देख लिया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके इस्तकबाल में कोई कमी ना छोड़ें। चावला खां जी पधारे, सदर साहब वो भी स्वागत करें, पलटू खान एडवोकेट, मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा जल्दी करें और मंच बोल। सो बराए मेहरबानी आप लोग फिर से अपनी जगह पे बैठ जाएं। बराए मेहरबानी अपनी जगह पे बैठ जाएं। अब जिस मकसद से हम लोग यहाँ आए हैं उस मकसद की बात कर लें थोड़ी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने गांव का जो सही में जो रस्म होता है वो निभाया। जैसे गांव में जो सबसे पहले लोग आते हैं तो लोग पूछते हैं खाना खाया नहीं, पानी पिया कि नहीं,
तो आप लोग जो है सब इनके खातिर में लगे हुए हैं। दिल्ली में जाइए तो सबसे पहले लोग पूछेंगे अपॉइंटमेंट लिया कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा आप लोगों ने दिखाया, सारा मजमा यहाँ पे हाजिर है। और हम आप लोगों को ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि मेरा नाम उसामा मंजर है, मैं डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का नुमाइंदा हूँ और जो नॉलेज पार्टनर है मिनिस्ट्री अफेयर्स के इस शुरुआत की। हम लोगों का मकसद ये है, ये जो साइबर ग्राम जो योजना बनाई गई है, बच्चे आप लोगों के लिए ज़्यादा है, सारे बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग ख़ास तौर से सुनो कि यहाँ पर जितने भी घर हैं उन सब में से कम दो लोगों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा और जो बाकी आसपास के गांव हैं उनके लिए हमने एक गाड़ी ली है, वो गाड़ी उनके घरों के आसपास जाएगी और वहाँ भी कंप्यूटर सिखाएगी। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कंप्यूटर आता है? सिर्फ जिनको आता है वो हाथ उठाएंगे। सो ये इसका मतलब है कि इससे अच्छा कोई स्कीम नहीं हो सकता था कि यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कंप्यूटर और सबके लिए ये काम आएगा, क्योंकि फ्यूचर में इसी से सबको काम करना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये जो स्कीम की शुरुआत है ये चंदौली गांव से शुरू हुई है, चंदौली के पंचायत से शुरू हुई है, लेकिन यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। और न ही ये 2600 घर और 1300 घर जो यहाँ के हैं वहाँ की पूर्ति हो जाने के बाद बंद होने वाला है, नहीं, ये सेंटर हमेशा चलता रहेगा। और आप लोगों में दो लोगों के बाद अगर और भी कोई पढ़ना चाहे, और भी कोई सीखना चाहे तो उनको भी सिखाया जाएगा। तो ये ऐसी स्कीम है जो बंद नहीं होने वाली स्कीम है। दूसरी चीज़ ये कि कंप्यूटर सेंटर में आप कभी भी आ सकते हैं ये मालूम करने के लिए कि आपके फ़ायदे की स्कीम कौन सी है या क्या कौन से गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है। किसी को टाइप करना है, ईमेल भेजना है या फैक्स कराना है या फ़ोटो खींचना है या फोटोकॉपी करानी है, सारे ये कामों की यहाँ पे सहूलत दी जाएगी आप लोगों को। मैं बस इतना ही कह के आगे बढ़ाना चाहता हूँ प्रोग्राम को और शाहिद से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।